जी तो सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अच्छा पंजाब के कुछ रंग हैं जी। मैं बाइक पे और बाइक पर हूँ बेसिकली, और कच्चे रस्ते हैं देख लें गाँव का भगवत बैठक गा गए और ब्रेक ला लवा मैं बेहतर है जी। सलाम वालेकुम। मैंने शॉर्ट सा की पहले बनाया आपको दिखाया, तो बहरहाल ये पंजाब के रंग हैं जी। मैंने बोला आपको दिखाता चलूँ, आगे आगे चलते जाते हैं। और परदेसियों के लिए खास वीडियो है जी। खासकर क्या यार, हम सभी बिलोंग तो यहीं से करते हैं। अगर आप किसी दूसरे सूबे में भी रहते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे मनाजर तो आपको देखने को मिलते होंगे, खासकर पंजाबी भाइयों के लिए है जी। तो कच्चे रस्ते पिंडा वाले, तो नाल देख लो तुसी कमाद जिसे हम गन्ने की काश्त बोल सकते हैं, और गंदम की माशाल्लाह फसल देख लें अभी शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा ज़खीरा मैं आपको कुछ मनाजर मैंने बोला लाइव बाइक भी चलाता जाऊँ और साथ में दिखाता भी जाऊँ। वैसे एक हाथ मैंने बाइक को डाला हुआ है और एक हाथ से ड्राइविंग हो रही है। तो आगे आगे चलते हैं, कुछ सरसों के खेत आएंगे, एक खूबसूरत मनाजर पेश कर रहे हैं यार, वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अच्छा मैं अभी वीडियो मैंने ब्रेक लगाई हुई थी, ये जो आप देख रहे हैं ना इसे हम पंजाबी जी आपू खाला कहने खाला सूआ। अच्छा आपने वो गाना सुना है जी, ओ काके का मिट्टी के टिब्बे के सज्जे पसे टोबे दे नालो नाल नी, तो ये टोबा भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ओए 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 ओए, एक बाइक पर हाथ है कहीं अल्टबाजी ना लग जाए। अच्छा ठंड चिक्स वैसे ना सर्दी च की कहते हैं बिस्मिल्ला, सर्दी च हवा सट भी बड़ी लगती है। अच्छा बात ये है जी, गन्ना कटाई शुरू है ठीक है, और बेलने लोगों ने लगाए हुए हैं, रॉ और गुड़ फ्रेश तैयार होता है, आप ख़रीद सकते हैं इन्हीं से, यहीं पर बेच देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा सरसों की ये देखने माशाल्लाह ये सरसों तैयार हो चुकी है, इसके फ्लावर नहीं रख रहे हैं अभी, ये इसको बोलते हैं ये टाइम से काश्त कर देते हैं इसको। ठीक है, तो बहरहाल आगे आगे आपको दिखाता जाता हूँ कुछ मनाजर। तो मैंने बोला एक तो धुंध, ऊपर से सर्दी, और अभी यकीन कीजिए तकरीबन 12 बज चुके हैं, और ये 12 बजे के मनाजर आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है जी, और इसके अलावा ये आपको पता है गर्मी में तो सुबह सऊदी में रहने वाले भाई खूब जानते हैं जी, 7 बजे गर्मी ने भाई सर उठाया होता है, और दमाम वाले एरिए में मैं रह चुका हूँ, यकीन कीजिए फजर टाइम ही पसीना आ रहा होता है। तो ये पाकिस्तान विंटर, पाकिस्तान की सर्दी ठंड जिन्हों आप कहने, तो 12 बजे का दिन तो मौसम वेलो हाले भी धुंध हाले भी छाई है। और सफ़र मैं करना सी, मैं क्या चलो बाइक तो चलते हैं, और एक पिंड वाली जी मेन सड़क है जी वो बन रही है, इस वजह तो कच्चे रस्ते इन्होंने थ्रू जाया जा रहा है, तो अगे पक्की सड़क शुरू हो चुकी है, तो उन्होंने तो भी फिर जाके सफ़र कर दिया। चलो उतों भी तुम कुछ थोड़े बहुत लाइव मनाजर दिखाना मैं, तो मैं क्या एक वीडियो यार बनावा अज एवें जी, कुछ पंजाबी के नाल गल बातें अपनी चलदियाँ रहन गिया, एक एवें जी वीडियो हो जाती। चलो बिस्मिल्लाह जी, तो ये टाली देख ली, ये इस टोबे के ऊपर गराई हुई है, आप ऊपर से टोबा भी क्रॉस कर लें, यानी कि पुल बनाया हुआ है। तो अभी मोटरसाइकिल ज़्यादा तो नहीं भगाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने हेलमेट उतारा हुआ है, और सर्दी तो मुझे भाई लग रही है कि ऐसे जैसे कि हाथ, जिस हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, वो तो आप यही बोल रहे हैं कि यार जम गया है, इतनी सर्दी है पाकिस्तान में। तो इंजॉय कीजिए परदेसियों के लिए, आपने एक पंजाबी में गाना भी सुना होगा जो पंजाबी है खासकर, वो तो इसके जानते भी होंगे, वतना तो वल्लिया, यानी कि आप अपने घरों को वापस आए, अल्लाह ताला के साथ आपको खैर वाफिया से वापस लाए। बात यह जी, परदेस की ज़िंदगी तो बहुत मुख्तलिफ है हमारी ज़िंदगी से, ये तो कन्फर्म बात है, लेकिन भाई फिर मजबूरियों के लिए परदेस भी काटने पड़ते हैं, ये भी होता है जी साथ में। तो बाकी जारी सी बात है, एक दिन घर को तो आना ही है हर परदेसी ने, बस यही होता है जी। चलो जिस मकसद के लिए गए हैं वो मकसद पूरे हो जाएं, और आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में बैठी हुई अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकें। तो बहरहाल जी, नाजर पाकिस्तान सर्दी के आपको मैंने लाइव दिखा दिए हैं, ये सबसे साथ में अमरूद, किन्नों का सीज़न शुरू हो चुका है, फ्लू का शुरू हो चुका है, और ग्रेपफ्रूट, और इसके अलावा आने वाले आपको पता है दूसरे तीसरे माह में फलों की बीमार हो जाती है,
तो पाकिस्तान में तो फिर मौसम भाई चारों मौसम भी बहुत खूबसूरत होते हैं, सर्दी हो गर्मी हो चाहे बहार हो चाहे खजा हो। बहार आएगी दूसरे माह में स्टार्ट हो, अभी गन्ने वाला ट्राला आगे सारा देख ले, तो मुझे लगता है कि ब्रेक लगा देनी बेस्ट है।